तो देखो भाई, यह है लद्दाख की रोड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जिंदगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश आइडिया। तो दोस्तों, अभी मैं हूं लेह लद्दाख के नुब्रा वैली टूर पे, और यहां पे रात को हम आए थे मोनेस्ट्री देखने के बाद। तो यहां पे हम रुक गए थे। ये हॉस्टल का नाम है जालोपो हाउस। तो ये देख सकते हैं, ये है जालोपो हाउस का मुख्य द्वार। कल रात को हम आए थे तो यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। तो आज सुबह सुबह हुई तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। ये मुख्य द्वार से हम एंट्री किए, हमारी गाड़ी है। ड्राइवर साहब सुबह 8 बजे ही आ गए हैं क्योंकि वो टाइम के पंक्चुअल होते थे। उन्होंने बोला था 8 बजे आप तैयार रहना, लेकिन अभी कोई यहाँ पे तैयार नहीं है। सिर्फ मैं तैयार हूँ और बाकी कोई तैयार नहीं है। 2 लोग हम यहाँ पे रुके हैं, बाकी 3 लोग दूसरे होटल में रुके हुए हैं। तो ड्राइवर साहब अभी आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक दूसरे लोग तैयार हो रहे हैं मैं आपको इस रिजॉर्ट का वीडियो बना दूँ। तो ये देखिए, मुख्य द्वार साहब अंदर आएंगे और यहाँ से ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर्टी का गेट है। इधर की ओर देखिए, ये पूरा गार्डनिंग एरिया है और यहाँ पे आप अपना बैठ सकते हैं। रात को आग जलती है तो एकदम आग ताप सकते हैं, मतलब ग्रुप में बैठ के। ठंडा बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच में ये प्रॉपर्टी है। और इधर की ओर आप देखें तो ये देखिए है होटल का मुख्य द्वार। यहाँ से भी जा सकते हैं और एक द्वार है इधर, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये मुख्य द्वार गए। थोड़ा लाइट के यहाँ प्रॉब्लम है, ये होटल का लॉबी एरिया है। आप यहाँ पे चेक इन वगैरह अपना कर सकते हैं। और आपको मैं रूम दिखा देता हूँ जिसमें मैं रुका था। ये आगे इधर का मेरा रूम है। ये देखिए, ताला। तो गाइस, ये देखिए, ये रूम है मेरा। लाइट नहीं है, ये देख सकते हैं पूरा रूम। यहाँ मैं सोया था रात को। और ये पूरा बैठने का, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल ठंड नहीं लगती इस रूम में। यहाँ पे मैं रुका था, इधर खिड़की है। तो ये देखिए, खिड़की से आप इधर बाहर का आप खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे इधर ये मेरा बेड। और इधर की ओर दिखाते हैं आपको वॉशरूम। ये देखिए, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये देखिए। अब बात करें दोस्तों, हमने ये क्यों लिया। तो ये मुझे पड़ा है 1200 रुपये पर नाइट के हिसाब से, जिसमें कि ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट के लिए भी बुफे लगता है और लंच के लिए भी बुफे लगता है। तो हमने लंच किया था, तो लंच का जो है ना, वह हम आपको रात को दिखा देंगे रात में, क्योंकि रात को लंच किया था, हम थक गए थे कि हमने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट का जरूर आपको वीडियो बनाएंगे। तो इसका हम रेस्टोरेंट एरिया आपको दिखा देते हैं जहाँ पर बुफे लगता है। और रही बात ये होटल की, तो मैंने ये होटल क्यों लिया। यहाँ पर दोस्तों, रात को 11 बजे से सुबह 6:30 बजे तक लाइट कट रहती है, लाइट नहीं रहती। एक बल्ब कोई जलेगा इमरजेंसी वाला इन्वर्टर से, बाकी पूरे लेह की लाइट कट रहती है। वाईफाई भी नहीं चलेगा, मतलब जब लाइट नहीं रहेगी तब। जब लाइट रहेगी तब अपना वाईफाई वगैरह अच्छी स्पीड चलेगा। 50 Mbps की स्पीड मिलती है यहाँ पे इस होटल में, तो आप वीडियो वगैरह अपलोड अपना कर सकते हैं। और एक ख़ास बात और है इस होटल की, जो कि मैंने इसको लिया। यहाँ पे गर्म पानी 24 घंटे उपलब्ध है, एकदम मस्त। थके थके आप गर्म पानी शॉवर लीजिए, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। और ये बैग है तो चलो बाद में उठा लेंगे हम। चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस होटल का रेस्टोरेंट एरिया। ये इधर की ओर लॉबी एरिया है। आप यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के आप गप्पे मार सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे बैठने का सीटिंग एरिया है। यहाँ पे आप बैठ के गप्पे मार सकते हैं 11-12 बजे तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ पे बुफे लगता है। तो ये है रेस्टोरेंट एरिया, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार ये बुफे लगता है। इधर की ओर देख सकते हैं, चाय, कॉफ़ी और लंच, डिनर सब यहीं पे लगता है।
तो बुफे सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है। और बात करें वाईफाई की, तो यहाँ पे BSNL का वाईफाई है 50 Mbps, ये देखिए लगा हुआ है। रेंज अच्छा खासा आता है, लेकिन फ़िलहाल लाइट नहीं है तो अभी नहीं चल रहा है। और यहाँ से अगर बाहर का व्यू देखें ना, तो बाहर का व्यू बहुत ही शानदार है। ये देखिए शानदार व्यू, गर्दा पहाड़ों के बीच। उधर देखेंगे तो मिलिट्री कैंप है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन ये देखिए यहाँ पे रिजॉर्ट का व्यू। तो चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस होटल का ये रेस्टोरेंट एरिया, देख सकते हैं कितने साफ सफाई से यहाँ पे आपका खाने को तैयार किया जा रहा है। रोटी पराठे तरह तरह के व्यंजन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्रेकफास्ट में हो चाहे लंच में हो। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आइए और स्टे कीजिए, और कमेंट में बताइए कि यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइस जैसा कि अभी हम आ गए अपने ब्रेकफास्ट के टेबल पे, तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट में है पराठा और हमने ली है ब्लैक टी। देखिए आगे लेके, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो ये देखिए हमारा पराठा और ये बटर अगर आप लगाना चाहें तो, और ये अचार। तो चलिए फटाफट मिलते हैं हम आपको खा के। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है। हमारे साथ जो एक लड़की है, मतलब जो साथ में ट्रेवल कर रही है, उनको टाइम 8 बजे का दिया गया था, लेकिन वो लेट हैं। तो हम तो 8 बजे तैयार हो गए थे, हमने उठ के प्रॉपर्टी का वीडियो वगैरह पूरा शूट किया और उसके बाद हम बैठे हैं। तो ड्राइवर साहब आए, मिले और चले गए उनको लेने। अब मैं इसमें इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या करूँ अब। तो गाइस जैसा कि ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और हम हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने आज के दिन की टूर की शुरुआत करने। ये देखिए ये हाल, दिमाग खराब। हाँ हाँ तो दोस्तों होटल से हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं सबसे पहले तुरतुक विलेज के लिए। तो जहाँ हम रुके थे दोस्तों, ये हुंदर एरिया है, हुंदर से तुरतुक विलेज तक की दूरी अप्रोक्स 60 किलोमीटर है, जो कि हम इस गाड़ी से अब 1 घंटे में पूरा करेंगे। तो ये नज़ारे देखिए आप, दोस्तों होटल से करीब हम 35 से 40 मिनट की यात्रा करने के पश्चात हम इस जगह पे आए हैं। इस जगह पे हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी है और इस जगह पे देखिए यहाँ पे व्यू कितना अच्छा है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। ओहो, ये देख रहे हैं, ये मेरे पैर है, देखिए कितनी ऊंचाई है। तो बहुत सेफ्टी से खिंचाएँ, नहीं तो गिर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रधानमंत्री सड़क योजना, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। अब चलिए थोड़ा गाइडर साहब से पूछते हैं इसके बारे में, क्या है इस जगह का इतिहास, किसके बारे में, ये कौन सा जगह है। ये है लर्जक ब्रिज, लर्जक ब्रिज। तो इस जगह का नाम है लर्जक ब्रिज, लर्जक LABJYAP, लर्जक 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 बीच 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 ब्रिज। तो दोस्तों इस जगह का नाम है लर्जक ब्रिज, और ये लर्जक ब्रिज पे हम आए हैं। तो देखिए यहाँ का नज़ारा पूरा पूरा, और यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी है, जैसा कि अब हम यहाँ से हमने फ़ोटो खिंचा लिया है। अब चलिए चलते हैं, आज तभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमारी मंजिल करीब 50 किलोमीटर। तो ये देखिए ड्राइवर साहब ने बताया बहुत अच्छा सीन आएगा, तो ये हम शूट कर रहे हैं। क्या नाम है इसका, लर्जक ब्रिज इसका, देखिए वाह। तो देखो भाई यह है लद्दाख की रोड, सोने
पहुंचाने की बात करें आधे घंटे और आगे आए तो हमारे ड्राइवर साहब ने इस जगह पे गाड़ी रोकी। जगह का नाम है सायोक वार मेमोरियल। चलिए अब चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। और तो ये देखिए, ये है साइवक वार मेमोरियल का ग्रेट कॉज एंड फोर्टिट्यूड साइन चेंज पूरे देखिए जवानों का नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है तो देख लिया करो, मेरे सांस सुन लिया, खांसी आ रही है, करना तो पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा वहाँ तक। बाकी अपने मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलते हैं। ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ियों से बिल्कुल घिरा हुआ है ये वार मेमोरियल। देखते हैं, देख लिया, चलते हैं। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं पूरा हम आ गए हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैंटीन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे आप कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हैं। ये देखिए अगर पेन है तो, पेन तो है। तो जैसे मैं भी यहाँ पे एयरपीएन में है ही नहीं कुछ, तो क्या लिखूँ। तो पेन में यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन आप पेन लाके यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी अपना, जैसे मेरा भारत महान ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जैसे लोगों ने लिखा हुआ है दिस प्लेस इज वंडरफुल। ये देखिए पूरा ये देख लीजिए सहवाग वार मेमोरियल, हमने पूरा देख लिया, पूरा आपको घुमा दिया। और आ गए हम अपने गाड़ी के पास और हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और चलते हैं आपको अपने अगले पर्यटक स्पॉट जिसका नाम है तुरतुक विलेज। बने रहिए। सामने देख रहे हैं ना वो है सीपी ब्रिज। मज़ा आ गया।
का क्या नाम है, कौन सा रिवर है? सेओक रिवर। ये पाकिस्तान भी जाता होगा? हाँ, ये पाकिस्तान। ये जो नदी देख रहे हैं विलेज में। जैसे आप आएंगे यहाँ पे, आप वो गेट है, उस गेट से आप उधर जाएंगे, वहाँ से आप पाकिस्तान का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आए हम, तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी पार्किंग में रोक दी है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आप खा पी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन, बॉर्डर लास्ट रेस्टोरेंट इंडिया, और शुद्ध शाकाहारी भोजन, बॉर्डर वे रेस्टोरेंट, वेलकम टू ठांग विलेज रेस्टोरेंट, अलग अलग यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और काफ़ी अच्छी वाइब यहाँ पे आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल आएँ और रुके, अपना लंच वगैरह शायद हो सके तो मैं रिकमेंड करूँगा यहीं करें। लेकिन बिल्कुल देखिए, पूरी तरह से वादियों के बीच में घिरा हुआ है ये देखिए।